हेलो फ्रेंड, यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एवरी मंक लर्न एनीथिंग। और आज इस वीडियो में मैं आपको F4 शॉर्टकट कीज़ MS Excel के अंदर क्या यूज है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। F4 रिपीट्स द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। पॉसिबल कैसे हैं ये चीज़ हम ज़रा विस्तार से देखेंगे, यानी कि फुल जानकारी के साथ देखेंगे। सपोज मान लो हमने किसी भी लास्ट एक्शन को, मान लो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अगर आपको कोई रो ऐसे है जिसका मतलब आपने इस सेल को सेलेक्ट किया है, समझ रहे हो, इस सेल को सेलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर चेंज कर दीजिए, कोई भी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, या डिलीट कर दीजिए, इंसर्ट कीजिए, या फिर कुछ भी पॉसिबल जो होगा वह आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसका मतलब आप ये नहीं है कि आपने कोई फार्मूला लगाया, F4 दबाओ, फिर आपके लिए वो दोबारा से फार्मूला लगाया जाएगा, नहीं। इसलिए लिखा हुआ है कि इफ़ पॉसिबल। लास्ट में आप जैसा देख रहे होंगे, रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप कोई टेबल क्रिएट करते हो। तो दोस्तों F4 लास्ट कमांड, रिपीट द लास्ट कमांड, यानी कि आपने जो कमांड किया है उसको रिपीट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वी लुकअप का कोई मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो, या फिर कोई रिबन्स पे जाकर कुछ भी शॉर्टकट माउस के थ्रू क्लिक कर रहे हो तो वो आपके लिए नहीं करेगा। तो जैसा हमने देखा कि हमने इस सेल को फॉर्मेटिंग चेंज की है, तो इस सेल को मतलब आप जो भी सेल सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब आपने सेल सेलेक्ट किया है, तो जो भी सेल सेलेक्ट करोगे उन सेल्स की फॉर्मेटिंग येलो कलर में कर देगा, क्योंकि हमने लास्ट एक्शन या क्या किया था, सेल्स की फॉर्मेटिंग की थी और येलो कर दिया था। आप F4 प्रेस कीजिए, आपके सामने लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट एक्शन क्या किया था, कलर येलो किया था। कंट्रोल जी कीजिए। अब मान लो हमने कोई कॉलम इंसर्ट किया है, ओके, कंट्रोल प्लस के थ्रू हमने एक कॉलम इंसर्ट किया है, और अब देखते हैं कॉलम इंसर्ट F4 प्रेस करने पर ये होता है कि नहीं होता है, क्या कमांड ये लेगा। कमाल का हो गया ना दोस्तों, F4 करने पे ही आपके कॉलम इंसर्ट हो गई है। तो ये F4 देख रहे हो कितना इसका यूज है, आप सोच सकते हो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपको डेली वर्किंग में कितनी हेल्प करेगा, आपकी कंप्यूटर पे वर्क करने की स्पीड को इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। इसी तरह से अगर आप कोई रो इंसर्ट करते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस, आपकी रो इंसर्ट हो चुकी है दोस्तों, अब यहाँ पर आओगे, F4 प्रेस करोगे तो इंसर्ट होती है, वाओ इंसर्ट होती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, अब मान लो मैं यहाँ से कुछ कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं वैल्यू पेस्ट करता हूँ। वैल्यू पेस्ट करने के शॉर्टकट किसी है कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। पेस्ट स्पेशल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, आप उन्हें देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रो इंसर्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस दबा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और फिर मैं F4 प्रेस करता हूँ, तो क्या रो इंसर्ट होती है? देखा गया दोस्तों, कमाल, रो इंसर्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर रो इंसर्ट क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पर वह टेबल है, टेबल के अंदर आपकी पूरी रो एक इंसर्ट करती है। टेबल क्रिएट करने का यही फ़ायदा होता है, वहाँ पे आपको पूरी रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर टेबल में ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करना चाहता है। कोई भी एक सेल नीचे ऐसे इंसर्ट तो करेगा नहीं, इसलिए कंप्यूटर थोड़ा स्मार्ट है टेबल के अंदर। इसलिए टेबल के अंदर बनाने के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, टेबल हमारे काम को कैसे इजी करता है, ऑटोमेटेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, आपको रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी और आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। दोबारा आप रो इंसर्ट करना चाहते हो तो पूरी रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा और F4 प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका ये लास्ट कमांड रिपीट होगा। इसी तरह कॉलम में होता है, आप
यहाँ पे देखोगे तो टेबल आपकी F4 के नाम से और टेबल 43 के नाम से क्रिएट हो चुकी है। इसलिए ये टेबल 43 कौन सा टेबल था? यह वाला टेबल था। इसलिए यहाँ पर उसने सिर्फ कर्सर जहाँ पे था वहीं से उसने एक नीचे डाउन पर या फिर लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर दिया, डाउन में रो इंसर्ट कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, एक बार हम और देखते हैं। अंडरलाइन कंट्रोल F1 से आपका रिबन हाइड और अनहाइड होता है, ये मैं आपको बताता रहूँगा, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, देखते रहें, तो इससे आपको शॉर्टकट के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती रहेगी। तो आपने मैंने हमने यहाँ पे क्या किया, इटैलिक किया। अब हम F4 प्रेस करेंगे तो यह इटैलिक फॉर्मेट में हो गया, यानी कि हम जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे, रेंज कोई भी सेलेक्ट करते हैं, देते हैं, उस रेंज के अंदर जो भी है वो अंडरलाइन कर देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो में आज आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।